खबर नर्मदापुरम से। जगदीश कीर ने बाबूलाल कहार खेत से काटी फसल, पीड़ित ने लगाई प्रशासन से गुहार। रजौन गांव के निवासी बाबूलाल कहार द्वारा मुख्यमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। पीड़ित बाबूलाल कहार का कहना कि जगदीश कीर द्वारा मेरी निजी भूमि पर मेरे द्वारा लगाई गई धान की फसल को काट लिया। पीड़ित का कहना, जगदीश कीर माखन नगर के पटवारी और पुलिस कर्मचारियों के साथ आए, मेरी धान की फसल काट कर ले गए। पीड़ित द्वारा बताया गया, ये घटना 5 जून की, जब जगदीश कीर मेरे खेत की धान की फसल काट ली और मेरे साथ मारपीट किया। पीड़ित का कहना, जगदीश की द्वारा मुझे पुलिस के माध्यम से डराया धमकाया गया, जिसमें पीड़ित ने मीडिया को एक वीडियो उपलब्ध कराया जिसमें पुलिस और पीड़ित के बीच संवाद हो रहा। महत्वपूर्ण विषय यह है कि पीड़ित बाबूलाल कहार ने जो दस्तावेज उपलब्ध कराए उनमें स्पष्ट रूप से बाबूलाल कहार और उनकी माँ भूमि स्वामी है, तो फिर जगदीश कीर द्वारा फसल कैसे काट ली गई, पटवारी द्वारा ये कैसे प्रमाणित किया गया, जमीन बाबूलाल कहार की नहीं है। पीड़ित ने पुलिस और पटवारी दोनों पर आरोप लगाते हुए बताया, दोनों ही जगदीश कीर से मिले हुए हैं और मेरे खेत की फसल काट ली, माखन नगर तहसीलदार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इतने इतने भूमि गुन्नी भाई विरुद्ध भैया लाल दुलीराम बाबू बा भैया लाल के नाम से अभिलेख में है, दर्ज है ना। यह है कि अनावेदी का गुन्नी भाई व अन्य ने भूमि खसरा नंबर 118/1 रकबा 1.213 हेक्टेयर, आने हेक्टेयर होती है 4 एकड़ का, 5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है ना, उसमें से इतने इतनी भूमि रजिस्ट्री 2/5/16 में लिख के दिया था। पौने तीन एकड़ पूरी जमीन नहीं है। अरे सुन तो ले यार, जरा दो अब हमारी चार भाई को हम कितने मैंने तारीख लिखाया था 2/5/16 है ना, को जगदीश व अन्य रजिस्ट्री 2/5/16 को इतने इतनी भूमि की कर विक्रय की है ना, इतने इतने में से इतना भूमि कम हो गई, अब इतनी इतनी तुम्हारे पास बची और आवेदक हमारे पास जमीन पूरी आ रही है, पूरी आ रही है सर, हमने देखो तो तुम वो पटवारी से जैसा उसने लिख के दिया वो लिखवा के दो ना, पटवारी उसके पैसे उसके कब्जे में है, मेरी बात सुनो, अब इसी ये बात है, थोड़ा चुप रहो ठीक है, आप बैठो। अरे तब वो यही तो वो भाई को समझाओ तो समझ नहीं आती, आप समझ रहे सर, ये इनकी जेठानी है। अब ये मेरी एक बात सुनो, हर चीज अपने कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अभी तुम कम परेशानी में हो, ठीक है ना, अभी ये पूरे कलेक्टर वलेक्टर सब हैं, अभी हम आए हैं, कल कोई और बड़े अधिकारी आएगा अगर नहीं सुलझाए तो इसमें, ठीक है ना। अब जो जमीन है अगर आपको लगाना है ये धोखे से किया है तो आपकी मम्मी को ले जाके एक आवेदन आप लगाओ, 420 का मामला कायम करवाओ, कोर्ट में लगाओ ना, लेकिन ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भाई, अनपढ़ आदमी हम कहां जाएं, मैं करा जाऊं इसके लिए, अनपढ़ हो जाते हैं, अनपढ़ हो ठीक है, हमें जैसे 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 लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हम जैसे हमारे साथ भाई का परमिट के नाम पे लाई, हम बहुत जो केस हमरो परमिट के नाम पे किसी और के करा देना, किसी और के नाम पे नहीं, जो इनका तुम करा के बता रहे हो मुझे क्या, रजिस्ट्री कराओ परमिट के नाम पे किसी का, भाई ये कि शब्द अनपढ़ आदमी है जो तो कहीं पर ऐसा है, वो तुम सुन नहीं रहे भाई, अरे मैं अनपढ़ है, वो तुम क्या भाई, मैं काम हो जाओ, तुम गलती किसकी है, किसकी गलती है, ये असली मैं काम कर, गलती किसकी है, गलती तो करी है, गलती का परमिट नाम पर गलती है ना, अब लड़ोगे एफआईआर देने से होगी, अब ठीक है, अब तुम लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं, हमारी एफआईआर नहीं होगी, हमने पहले करके आए, पहले बात से कुछ नहीं होता भाई, अरे भाई तुम मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड हो तुम, मजिस्ट्रेट ने भले नहीं है मगर हम भी एक औरत है, वो एक जेंट्स है तो क्या हुआ, कहेगा जेंट्स, कहेगा जेंट्स भाई, यहाँ कोई औरत और जेंट्स का नहीं चल रहा है, ठीक है, सीधी सीधी बात है, कागज जिसके पास है तो तुम लगाओ ना स्टे लगा दे। खबर भारत वर्ष के लिए बाखर नगर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।